सब्सक्राइब कीजिए YP News चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और आज मैं बात करूंगा गिरती हुई GDP के बारे में। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। देश की विकास दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में विकास दर 5.8% से घटकर 5% रह गई है। अगर सालाना आधार पर तुलना करें तो करीब 3% की गिरावट है। एक साल पहले इसी तिमाही में GDP की दर 8% थी। पिछली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में गिरावट और कृषि उत्पादन में कमी का GDP ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है और इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है, सबसे बड़ी गिरावट कहा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की एक तिमाही में सबसे सुस्त रफ्तार है। करीब 7 साल पहले UPA सरकार में किसी एक तिमाही में GDP के आंकड़े इस स्तर पर पहुंचे थे। वित्त वर्ष था 2012 से 2013 की पहली तिमाही में GDP के आंकड़े 4.9% के निचले स्तर पर थे। RBI ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP का अनुमान घटाकर 6.9% किया है। पहले चालू वित्त वर्ष में GDP 7% रहने का अनुमान रखा गया था। अगर हर सेक्टर में पिछले आंकड़ों की तुलना की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के 12.1% की तुलना में महज 0.6% की दर से आगे बढ़ सका है। वहीं एग्रीकल्चर और फिशिंग सेक्टर पिछले वित्त वर्ष की तिमाही के 5.1% की तुलना में 2% की दर से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो यहाँ 5.7% की तेजी रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 9.6% की तुलना में 3% से अधिक गिरावट है। फाइनेंशियल, रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 6.5% की तुलना में 5.9% के दर से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई समेत अन्य सेक्टर में मामूली तेजी जो है वो देखने को मिली है और कई सारी रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी मोदी सरकार को झटका दे रही हैं। ये आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत के GDP अनुमान को घटा रही हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड सर्च प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की सालाना GDP ग्रोथ का अनुमान 7.3% से घटाकर 6.7% कर दिया। एजेंसियों का मानना है कि खपत में कमी, मानसून की बारिश अपेक्षा से कम बारिश, मैन्युफैक्चरिंग में कमी की वजहों से लगातार तीसरे साल अर्थव्यवस्था में सुस्ती रह सकती है। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2019 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.2% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमूरा ने बताया कि सर्विस सेक्टर में सुस्ती, कम निवेश और खपत में गिरावट से भारत की GDP सुस्त हुई है। नोमूरा की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ताओं का विश्वास कम हो रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। मोदी सरकार ने अगले 5 साल में देश को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए लगातार कई साल तक सालाना 9% की ग्रोथ रेट होनी चाहिए। देश के ऑटोमोबाइल समेत कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सुस्ती का दौर देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर में प्रोडक्शन और सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसी वजह से FMCG और टेक्सटाइल सेक्टर भी मंदी जैसे हालात से गुजर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आर्थिक तौर पर मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है, जो हमारी GDP पिछले 6 साल की तुलना में सबसे कम रही है और इसके लिए अब सरकार को बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो देश ऐसे ही आर्थिक मंदी और आर्थिक हालातों से जूझता रहेगा। फिलहाल दोस्तों, आज का वीडियो यहीं होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।